सारे पेटिशन भी। ये टूटी का आखिरी स्टॉप है सामने बहानी हाइट्स बने हुए हैं, ये पिशावरी आइसक्रीम बनी हुई है, ऐसे लोग मुतबादल रास्ते लेके आ रहे हैं। ट्रैफिक कितना जैम हुआ हुआ है, सामने ग्रीन लाइन और जो है आप देख सकते हैं रोड पूरा टूटा हुआ है, और इस रोड टूटने की वजह से जो है ट्रैफिक जो है मुतासर हो रहा है। और मेरी गुजारिश है मेरे काशी मुर्तजा वहाद साहब से जल्द से जल्द इस रोड को जो है बनाया जाए, जो रोड टूटा हुआ है इस रोड को जो है दोबारा से बना के इस ट्रैफिक की रवानी को जो है मुतासर जो हो रही है उसे सही किया जाए। आप देख सकते हैं मेन टूटी का आखिरी स्टॉप है जहाँ सारे ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है, और ट्रैफिक जाम होने की वजह जो है यहाँ का ये ट्रैफिक का रोड टूटा है, तो पूरा रोड टूटा हुआ है, और इस रोड टूटने की वजह से जो है ट्रैफिक जो है मुतासर हो रहा है। तो गुजारिश है मेरे काशी मुर्तजा वहाद साहब से कि इस रोड को जो है बेहतर किया जाए, और जो रोड टूटा हुआ है और जो गड़ा पड़ा हुआ है इसको बेहतर किया जाए ताकि जो ट्रैफिक की रवानी है जो मुतासर हो रही है वो सही हो सके। दो तरफ से रोड टूटा हुआ है, एक फुटपाथ की तरफ से टूटा हुआ है और एक जो है यहाँ से टूटा हुआ है, पूरा रोड टूटा हुआ पड़ा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। गुजारिश है मेरे कराची मुर्तजा वहाद साहब से कि इस ट्रैफिक को बेहतर करने के लिए जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए और इस गड्ढे को भरा जाए। और आप देख सकते हैं पूरा रोड टूट चुका है और कोई देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, या जो मीडिया पसंद भी आई हुई। तो गुजारिश है मेरी मेयर कराची मुर्तजा वहाद साहब से कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि ये जो रोड टूटा हुआ है ये बेहतरी की तरफ जा सके। आप देख सकते हैं पूरा रास्ता पूरा ये रोड टूटा हुआ है, ये आप देखिए पूरा नाला ये टूटा हुआ है, और आप ये रास्ता देख सकते हैं ये सामने ये भाई न्यूज़ के लोग आए हैं चौबे करने, और आप ये देख सकते हैं पूरा रोड है, किसी वक्त भी कोई बड़ा सानिया हो सकता है कि पूरा जो है आगे का जो निचला रोड है पूरा टूटा हुआ है, ये बल्कि रास्ते के लिए बंद कर देना चाहिए। ये आप देखिए रोड पूरा जो है गड़ा पड़ चुका है और कोई देखने वाला नहीं है इस रोड को, आप देख सकते हैं पूरा ट्रैफिक जैम है आगे पीछे। ये मेन हम जो है बरानी हाइट्स के सामने पिशाफी आइसक्रीम के सामने वाले स्टॉप है, ये वाला एरिया है, और आप देख सकते हैं कि ये रोड पूरा टूटा हुआ है और किसी वक्त भी कोई ये रोड बड़ा फायदे हो सकता है, ये रोड पूरा टूट चुका है और पूरा रोड ये बैठ चुका है और कोई देखने वाला नहीं है इस पूरे रोड में। आप देख सकते हैं ये पूरा रोड टूटा हुआ है, ये सामने जो है टूटी का पुराना स्टॉप है पिशावरी आइसक्रीम बयानी शॉपिंग सेंटर बना हुआ है, ये ब्लॉक एन के रास्ते जा रहा है, ब्लॉक एल के रास्ते जा रहा है, सामने जो है ये ब्रिज है, और ये जो है सामने पूरा जो है रोड टूटा हुआ है। गुजारिश है मेरे काशी मुर्तजा वहाद साहब से कि जल्द से जल्द जो है इसको सही किया जाए रोड को और इसकी मरम्मत की जाए, ये रोड पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। गुजारिश है मेरे काशी मुर्तजा वहाद साहब से कि ट्रैफिक की रवानगी को मुतासर होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द इस रोड को बनाया जाए। आप देख सकते हैं पूरा नाला है, और आप देख सकते हैं मुर्तजा वहाद साहब ने 30/12/2020 को जब वो एडमिनिस्ट्रेटर थे उन्होंने इनोग्रेट किया था इस रास्ते को, मगर ये बनने के बाद यहाँ की मेंटेनेंस नहीं हो पाई और हाल आपके सामने है, पूरा रोड जो है खतरनाश हुआ हुआ है और पूरा रोड जो है टूटा हुआ है। तो इस रोड को जो है बेहतर बनाया जाए, और बनाने के अलावा जो है वो देखा जाए कि आया कि ये काम कैसा हो रहा है। आपके सामने ये मेन नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक एन का रास्ता है, सामने फारूक आजम मस्जिद है, और ये पूरा रोड जो है पूरा जैम हुआ हुआ है, ये मंगल बाजार लगता है, और सामने पिशावरी आइसक्रीम है, ये पूरा नाला है, और उस नाले का रोड पूरा टूटा हुआ है और पूरा रोड जो है बैठा हुआ है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है सामने पूरा सामने जो है ये पूरा रोड है और कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, और कोई भी चीज़ बनती है तो उसकी एक मेंटेनेंस होती है, और अगर मेंटेनेंस ना हो तो उसका हाल वही होता है जो ये हाल हुआ है रोड का। और मेरी गुजारिश है मेरे काशी मुर्तजा वहाद साहब से कि जल्द से जल्द इस रोड को बेहतर किया जाए, बहाल किया जाए। वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब से भी गुजारिश है कि इस रोड को बेहतर किया जाए, और आप देख सकते हैं सामने फारूक आजम मस्जिद है, ये मशीनें आते मुड़ के जा रही हैं कि जो है ये पूरा रोड सत्यानाश हुआ है, रोड पूरा टूटा हुआ है, और ये रोड किसी वक्त भी गिर सकता है, अगर ये रोड गिरा तो
किस हादसे का सानिया कौन से बता रहे हो।